मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेती में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग व प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें गो आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। यह जीरो बजट खेती है, इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती में तकनीकी से उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। थोड़ी जागरूकता व सावधानी से प्राकृतिक खेती के जरिए कम लागत में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर किसान आमदनी बढ़ा सकते हैं। परंपरागत खेती को आधुनिक तरीके से करने के साथ किसानों को बाजार की मांग और कृषि जलवायु क्षेत्र की अनुकूलता के आधार पर बागवानी, सब्जी व सह फसली खेती की ओर भी और अग्रसर होना होगा। इससे उनकी अधिक से अधिक आमदनी हो सकेगी। सीएम योगी सोमवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ व देवीपाटन मंडल की रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। खेती किसानी यहाँ की आमदनी का एक बड़ा जरिया है। देश की सबसे अच्छी उर्वरक और भूमि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की भूमि की उर्वरकता व जल संसाधन की ही देन है कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 12% हिस्सा होने के बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 20% का है। इसे अभी 3 गुना तक बढ़ाए जाने की संभावना है। सीएम योगी ने कहा कि समय पर अच्छी गुणवत्ता का बीज तथा तकनीकी का प्रयोग कर हमें कम लागत में अधिक उत्पादकता बढ़ाने में सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही मंशा है कि खेती की लागत को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाई जाए ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। इसके लिए व्यापक कार्यक्रम व अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल उत्पादन में रबी का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें भी मुख्य फसल गेहूं की होती है। गेहूं उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों से परामर्श, समय पर बीज व पानी की व्यवस्था कर सरकार किसानों की भरपूर मदद कर रही है। किसानों के हित में पहली बार फसल बीमा योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 साल के कोरोना काल में सिर्फ कृषि सेक्टर की उत्पादकता बढ़ी, किसानों ने दुनिया को निराश नहीं होने दिया। खेतों में अन्न पैदा होता रहा तो गरीबों को मुफ्त में राशन लेने की दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई गई। देश में 80 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रति माह मुफ्त में 2 बार राशन दिया गया। सरकार ने भी किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP देने के साथ ही यह सुनिश्चित किया कि महामारी के चलते किसी के भी रोजगार पर असर ना पड़े और ना ही किसी को खाने के लाले पड़े। जन कल्याणकारी सरकार का यही कार्य भी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पिछले 5 साल में प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिली है। सरयू नहर परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई सुनिश्चित हुई है। हर जिले में व्यापक स्तर पर नलकूप की स्कीम चलाने के साथ सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए PM कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने सभी चीनी मिलों का संचालन किया। किसानों को 1.80 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। एक बार फिर चीनी मिलों में पेराई सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। सरकार ने पिपराइश व मुंडेरवा में चीनी मिलों को चलाकर गन्ना किसानों के हित में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में धान क्रय केंद्र खोले जाएं ताकि अन्नदाता आसानी से अपनी उपज बेच सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 3 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। धान, बाजरा, मक्का सभी फसलों का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करते हुए किसानों के खातों में DBT के माध्यम से धनराशि यथाशीघ्र उनके बैंक खाते में अंतरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में प्रदेश के कृषि,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 5 सालों से देश में सर्वप्रथम है। देश में 32% गेहूं का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खेती की गुणवत्ता के लिए अधिक मात्रा में खाद के प्रयोग से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे बीज, समय पर बुआई व तकनीकी के कारगर प्रयोग से किसान उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार सभी ब्लॉकों में 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में अनुदानित बीज की मात्रा 4.5 लाख कुंतल से बढ़ाकर 7.5 लाख कुंतल कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार दलहन व तिलहन के 4 लाख मिनी किट किसानों में वितरित कर चुकी है। पराली जलाने की समस्या का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले न्यूनतम है। किसानों के हित में प्रदेश सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 450 करोड़ रुपए का अनुदान कृषि यंत्रों पर दिया गया है। पिछले 5 साल में 27,000 सोलर पंप लगाए गए हैं। रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान से गन्ने की खेती का रकबा 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। दुनिया में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी के प्रयासों से ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा आदि मोटे अनाजों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अनुरूप प्रदेश सरकार 2.5 लाख किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगी। कृषि मंत्री ने अनुरोध किया कि सांसद रवि किशन शुक्ला मोटे अनाजों के ब्रांड एम्बेसडर बने। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनगिनत योजनाएं चला रही है। उन्होंने कई योजनाओं का उल्लेख करने के साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश के किसानों का 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। पहले जहां यूरिया के नाम पर लाठी चलती थी, वहीं अब यूरिया सहज उपलब्धता है। मुख्यमंत्री ने कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद, उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, विधायक गण विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, श्री राम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान आदि मौजूद रहे। आभार ज्ञापन अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खजनी के विधायक श्री राम चौहान एवं प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, एक महीना, 3 महीने और 5 महीना, 7 महीना, ये 4 लोगों में बोरोन की जरूरत पड़ती है, तो बोरोन का प्रयोग आप जमीन में भी। मंडी में आयोजित कृषि रवि गोष्ठी में हमारे बीच में टेक्निकल सेशन में किसान प्रयोग सिर्फ हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देसी गाय के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। प्राणी मात्र के प्रति सदैव एवं निरंतरता के प्रतिपालक तथा सकारात्मकता की सोच से सभी को समृद्ध करने के लिए संकल्पित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कर्तव्य ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत, वंदन एवं आदित्यनाथ जी महाराज का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान श्री सूर्य प्रताप शाही जी का हार्दिक स्वागत एवं निशा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय उद्यान राज्य मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का कॉलेज जी का एवं हार्दिक स्वागत माननीय सांसद सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद बासा श्री कमलेश पासवान जी के साथ रहे हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से महान जितने राज्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया जा रहा है। हम सभी इस ईश्वर के समक्ष अपने गुरुओं के प्रति पुष्प अर्पण का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ आप सभी का प्रयास का होता है। इसी क्रम में हम माननीय राज्य मंत्री महोदय को पुष्प लता भेंट करते हैं। उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर
पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, माननीय संजय निशा जी, माननीय मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश बलदेव सिंह मौलक जी, माननीय राज्य मंत्री कृषि, माननीय कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सहजनवा महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइश राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिरुपाल श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक बांसगांव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव, बाकी मंचासीन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी किसान भाई बहन आए हैं और जितने भी खेती से जुड़े लोग आए हैं, मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये समय बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जब पूज्य महाराज जी ने, आप लोगों को याद होगा, मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो सबसे पहला काम किया था 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों का माफ कर दिया था। 32,000 करोड़ का कर्ज। मैं चाहूंगा महाराज जी के लिए जोरदार सभी लोगों के ताली बजे के चाहे, क्योंकि महाराज जी के कथनी करनी में अंतर ना होला। आज रबी की खेती पर गोष्ठी बात, और मैं भी इन दौरान काफी किसान भाइयों से मिला, ब्लॉक पर भी गया, बहुत सारी बातें हुई। एक बार माननीय सांसद जी कमलेश पासवान जी, एक समय हुआ रहे महाराज जी, जब यार यूरिया के नाम पे माननीय सांसद जी लाठी चला था, यूरिया के नाम पर यहाँ पे लाठी चलती थी, और आज जैसे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य महाराज जी की सोच के आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे देश का किसान, आज हम लोग एक्सपोर्टर्स बन गए। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूज्य महाराज जी जानते हैं कि ये देश का भविष्य किसानों के कंधे पर। मैं आज आप सबका हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने अब तक 12 मंडलों की रवि गोष्ठी 3 स्थानों पर की है, और आज गोरखपुर में 4 मंडलों की, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती और देवी पाटन की यह रवि गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है। ये अपने में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से लगातार खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्थान पर है, और उसमें जो गेहूं की हमारी भागीदारी है वो जितना देश में हम पैदा कर रहे हैं उसके 32% अकेले गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहा है। आप कैसे जान गए कि सब्सिडी इसी पश्चात चरनामा क्रॉसिंग SMEM रोटावेटर के लिए 42,000 रुपए की सब्सिडी का प्रशस्त पत्र श्री हरिया जी सरदार नगर ब्लॉक से PM कुसुम 2 फास्ट पावर AC सोलर के लिए प्राप्त करते हुए श्री अशोक निसार जी सरदार पावर AC सोलर के लिए 88,756 रुपए की सब्सिडी के लिए प्रमाण पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के घर पहुंचे। AC सोलर 88,756 रुपए की सब्सिडी का प्रमाण पत्र योजना के लिए बिना क्षतिपूर्ति खरीद की धनराशि 2,21,843 रुपए के लिए 21,398 रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के इसके पश्चात श्री जयप्रकाश तिवारी जी गुंडा FPO से प्राप्त करते हुए एक बार जोरदार तालियां एवं साधन धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आपका बदल रवि उत्पादकता की समीक्षा के लिए आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक गोष्ठी के आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे कृषि सहयोगी कृषि कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री श्री संजय निशा जी,
उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि श्री बलदेव सिंह भोला जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव से माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री डॉक्टर बंदेश पासवान जी, प्रदीप शोभा जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, आज की इस रवि गोष्ठी में वर्चुअली जुड़े हुए सभी जनपदों के जिलाधिकारी गण, सभी कृषि और उससे जुड़े हुए विभागों के अधिकारीगण, अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आपने रवि गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के महत्वपूर्ण सुझावों और अनुभवों को सुना होगा। आप में से बहुत सारे किसान अपने इस अनुभव से स्वयं भी जानकारी रखते होंगे और उसको साझा करते होंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति यह है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहां पर प्रारंभ में कहा गया कि समय पे बीज बोना, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक अभियान उसी श्रेणी का हिस्सा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और जयपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रवि गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवि की फसल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसमें मुख्य फसल गेहूं की। हम सब जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उससे जुड़े हुए अन्य फसलों को लेकर हम लें तो उत्तर प्रदेश की उसमें एक बड़ी भूमिका है, लेकिन समय पे बीज, समय पर खाद, समय पे पानी, समय पे तकनीक, हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिकों के साथ उनको जोड़ना, ये सभी चीजें अगर एक साथ हो जाए और सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, आप देख रहे होंगे पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने का कार्य हुआ। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर
21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की और जिस कमिश्नरी से जुड़े हुए ये मंडलीय रवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से इसमें देवीपाटन बस्ती और गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद 9 जनपद इससे जुड़े हुए हैं। हर प्रदेश के अंदर हर जनपद में व्यापक पैमाने पर नलकूप स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया है और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप के माध्यम से फ्री में हर किसान अपने खेत में बिना डीजल खर्च के बिजली का कनेक्शन लिए वहां पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था भी पीएम कुसुम योजना के माध्यम से यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में जागरूक हो जाएं, क्योंकि आपने इस बात को देखा होगा कि खेती में तकनीक आज की आवश्यकता है और इसमें दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो हम तकनीक जो हमारे पास परंपरागत रूप से कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाती है और जिस पर आज दूसरा ध्यान दिया जा रहा है वह है प्राकृतिक खेती के माध्यम से। प्राकृतिक खेती एक प्रकार की जीरो बजट खेती है, गौ आधारित खेती है। हमने देखा है कि उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और उस अच्छे परिणाम को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा हम विगत 2.5 वर्ष से पूरा देश पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना में पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, पस्त हो गई। अकेले कृषि सेक्टर एक ऐसा था जहां पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अन्नदाता किसानों ने उस विपत्ति के समय भी दुनिया को निराश नहीं होने दिया, लगातार हमारा किसान मेहनत करता रहा। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि खेती से अन्न पैदा होता रहा तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कराया। और भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी। एक और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, एमएसपी का लाभ नहीं देना, एमएसपी को लागत का डेढ़ गुना कर देना, जहां इसको इसके साथ जोड़ा गया वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोरोना जैसी महामारी के कारण अगर किसी के रोजगार और नौकरी पर असर पड़ा है तो उसके सामने खाने के लाले न पड़े बल्कि उसको फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यह भी व्यवस्था दी गई। और 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम लोगों ने महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, यही किसी लोक कल्याणकारी सरकार का कार्य होता है। प्रदेश 119 चीनी मिलों को कोरोना काल में वो चला रहे थे और विगत 5.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का केवल गन्ना किसानों के खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार कराने में सफल रही। हर एक सेक्टर में कुछ नया हुआ है लेकिन थोड़ी सी जागरूकता हमें खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज यहां पर इस सेक्टर से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा, अन्य कार्मिकों के द्वारा इस विषय में तमाम जानकारियां मिलने का अवसर प्राप्त होगा और मुझे लगता है कि जानकारी और अनुभव को साझा करके आधुनिक अत्याधुनिक जानकारी और तकनीक का उपयोग करते हुए हम लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। जो बात यहां पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कही कि वर्तमान में धान के क्रय केंद्र भी प्रारंभ हुए हैं, चारों कमिश्नरी से जुड़े हुए जिलाधिकारी गण होंगे, मुख्य विकास अधिकारी गण होंगे। मैं उन सबसे कहूंगा कि अन्नदाता किसान जितने भी क्रय केंद्र की मांग करे आसानी से वहां पर क्रय केंद्र उपलब्ध करवाना
उपज को क्रय करने के साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग हम लोग अब तक 3 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करने में हमें लगभग सफलता प्राप्त हो चुकी है। और प्रदेश के अंदर जितना भी अन्नदाता किसान धान की फसल को, बाजरा को, मकई को क्रय केंद्रों पर लेके आएगा, उन सब का क्रय सरकार करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम बीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में डालने का कार्य करेगी। इसके साथ ही चीनी मिले भी यहां प्रारंभ होने जा रही है कि प्राइस में नई चीनी मिल खुल चुकी है, मुंडेरवा ने नई चीनी मिल में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस दिशा में और भी नए कार्य हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम जहां परंपरागत खेती को तो आधुनिक तरीके से लागत को कम करने में सफलता प्राप्त होगी ही, हमें बागवानी की ओर जाना पड़ेगा, सब्जी उत्पादन की ओर भी जाना पड़ेगा, साफ फसलियों को भी हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिससे किसान अधिक से अधिक आमदनी अपनी बढ़ा सके। इस रवि गोष्ठी के अवसर पर मैं एक बार फिर से चारों कमिश्नरी से आए हुए सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, कृषि विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज पूरे दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सही अत्याधुनिक जानकारी अन्नदाता किसानों तक उपलब्ध कराने और शासन की सुविधा को भी आसानी तक उन तक पहुंचाने की उन सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध देंगे। आप सभी किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि जो यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं, इन पंडालों का भी आप जरूर अवलोकन करना, बहुत सारी जानकारियां आपको उससे प्राप्त होंगी, देखने का अवसर मिलेगा, शासन की स्कीम की जानकारी भी आप सबको प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी काम कर रहे हैं, रबी उत्पादकता की गोष्ठी हो रही है। निश्चित रूप से इस गोष्ठी के माध्यम से किसानों को नई तकनीक, नई जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से मिलती है। विभागीय कितनी योजनाएं चल रही हैं उन सबों की भी जानकारी किसानों को मिलती है और उसका लाभ उठा करके किसान अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करता है। खेती किसानी में विकास को आगे बढ़ाने में गोष्ठी सफल होती है। देखिए, ये रवि उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी है जिसके भीतर उत्तर प्रदेश हमारा राज्य लगभग 130 लाख हेक्टेयर में रवि की फसल को उगाता है और देश के भीतर सर्वाधिक आच्छादन रवि की फसलों का उत्तर प्रदेश के भीतर होता है और उसमें 100 लाख के करीब हम जो है वो गेहूं की फसल का उत्पादन करते हैं और इसी प्रकार से लगभग 12-13 लाख हेक्टेयर के भीतर हम दलहन की और उतने ही तिलहन की खेती करते हैं और 10 लाख हेक्टेयर के करीब आलू की फसल लगाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस गोष्ठी का अपने में एक महत्व है जिससे कि जिला स्तर पर नियोजित करके लक्ष्य के अनुसार, जैसे इस साल हम लोगों ने 135 लाख हेक्टेयर के भीतर रवि की खेती करने का लक्ष्य रखा है, तो वो लक्ष्य पूरा हो सके और राज्य का उत्पादन 635 लाख मेट्रिक टन से अधिक हो, यानी इस साल 35 लाख मेट्रिक टन हम अपना उत्पादन बढ़ाए जाने की दृष्टि से इसका यह अभियान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य के भीतर ले रही है। और हम लोगों ने सभी कमिश्नरियों का, मेरठ कमिश्नरी को छोड़ करके और मन पश्चिम के मेरठ और मुरादाबाद और सहारनपुर को छोड़ करके लगभग सभी कमिश्नरियों का इस तरीके का आयोजन किया है जिसके भीतर एक बेहतर तरीके से हम लोगों ने रक्ष रखा है। साथ साथ में ये सीजन जो है वो गन्ने की खेती भी होती है। राज्य के भीतर हमारे जो है इस समय 26 लेकर के 27 लाख हेक्टेयर के भीतर गन्ने की खेती हो रही है, लेकिन एक फसली गन्ना लोग उगाते हैं जिसमें एक वर्ष का समय लगता है। किसान भाइयों को इसलिए भी जागरूक किया जा रहा है कि उसके भीतर गन्ने के क्षेत्र के भीतर जो दो गन्नों के मेड़ों के बीच में लगभग 32 इंच की ज़मीन, 30 से 32 इंच ज़मीन खाली रहती है, तो उसके भीतर वो आलू की खेती करें, गेहूं की फसल लगाएं, जौ की फसल लगाएं,
तिलहन की फसल लगाएं या दलहन की फसल लगाएं, चना मसूर लगाएं, तो इसके लिए उनको जानकारी हो। यदि उनके सामने ये जानकारियां होंगी तो वो उधर आगे जब बढ़ेंगे तो उनकी आमदनी में इजाफा होगा और साथ साथ में राज्य का उत्पादन भी बढ़ेगा। और इसलिए टेक्निकल सेशन इसके लिए भी वैज्ञानिकों के द्वारा उनकी बात को रखी जाती है। राज्य में हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र, 75 जनपदों के भीतर 89 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे संचालित हैं। वहाँ पर भी मल्टी क्रॉपिंग का हमने उनको डायरेक्शन दे रखा है कि मल्टी क्रॉपिंग का वो मॉडल प्रोजेक्ट खड़ा करें, जिससे किसान आकर के उनके फार्मों पर देखेगा तो उसको जाकर के करेगा। अगला साल 2023 मोटे अनाजों के खेती करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है। उत्तर प्रदेश उसके लिए अपनी एक विशेष नीति बना रहा है और हम 2.5 लाख किसानों को अगले 3 साल के भीतर मोटे अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहन उनको प्रोत्साहित करेंगे। और उसके लिए हमारी नीति लगभग बन गई है, जो अभी कैबिनेट को जाने वाली है माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से, तो वह एक उसके ऊपर फोकस करेंगे। प्रदेश में इस समय खरीफ से ही हम लोगों ने प्राकृतिक खेती का एक अभियान शुरू कराया है, वो आधारित प्राकृतिक खेती का। बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में वो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। राज्य के अन्य जनपदों के भीतर भी कुल मिलाकर के 70 जनपद के भीतर नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम के योजना के अंतर्गत और साथ साथ में उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती, ये कुल मिलाकर के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर हम इस साल जो है वो प्राकृतिक खेती का उत्पाद भी तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है और उस पर हमारा काम शुरू हो गया है। पूरे दुनिया के भीतर इस समय नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, उनकी बेहतर कीमतें भी मिल रही हैं और इसलिए उसके मार्केटिंग का भी प्रबंध कर रहे हैं और साथ साथ में उसके लिए लैब भी बना रहे हैं। लखनऊ का लैब बन गया है, मेरठ के भीतर लैब पूरा होने वाला है, वाराणसी में एक लैब बन रहा है और एक जो है वो आगरा के भीतर, तो 4 लैब नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट के टेस्टिंग के लिए हम बना रहे हैं। साथ साथ में अपने 4 कृषि विश्वविद्यालयों के भीतर भी टेस्टिंग लैब बनाएंगे जहां उसका वैलिडेशन किया जा सकेगा। तो इस तरीके से राज्य हमारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक युग के अनुसार जो आज की मांग है देश की और दुनिया की, उसको पूरा किए जाने के लिए कृषि विभाग किसानों के माध्यम से उसको उत्पादन करा करके उनको बेहतर कीमतें मिल सके। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि किसान की आमदनी 2 गुना बढ़ाना और उसको अब सिर्फ किसान ही नहीं साथ साथ में उसको व्यापार की ओर आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारी योजनाएँ, विभिन्न योजनाएँ हमारी FPO की योजना चल रही है, कृषि उत्पादक संगठनों की, कृषि आधारभूत संरचना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, MSME सेक्टर के भीतर उद्योगों को लगाए जाने की, तो एक इंटीग्रेटेड प्रयास उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस काम के लिए कर रही है। देखिए 60% अनुदान पर 40% किसान लगाता है, 60% अनुदान हम देते हैं, यानी राज्य सरकार और भारत सरकार मिल करके देते हैं। और इसके लिए इस उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने व्यापक अभियान शुरू किया है। इस साल अभी अब तक 15,000 सोलर पंप हमने खोले हैं कुसुम योजना के भीतर। और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो लक्ष्य हमने उन जनपदों को दिए हैं अभी भी रिक्त हैं, उसमें किसान भाई आगे आएँ और 12 महीने पानी की सुनिश्चितता वो अपने खेत में कर सकें। इसके लिए वो यदि आगे बढ़ते हैं तो अभी जो मुख्य रूप से खरीफ और रबी की खेती होती है और जायद की फसल हमारे पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत कम की जाती है, तो जायद के फसलों में भी खासतौर पर साग सब्जियों, तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी आदि के उत्पादन करके वो लाभ कमा सकेंगे, इसलिए उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशंसक हैं वो, ये देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या खा रहे हैं तो उसको खा, वो भी उसका अनुकरण करते हैं, तो इसलिए हम जो है वो रेसिपी उसकी तैयार कराएंगे। और उसके रवि किशन जी के माध्यम से चूंकि वो भोजपुरी क्षेत्र के भीतर एक लोकप्रिय फिल्मी कलाकार भी हैं और साथ साथ में सांसद भी हैं, तो हमारे काम में वो योगदान दे सकेंगे, इसलिए मैंने इस बात